शहनाज सिंह आपसे जानना चाहूंगी कि आप पंजाब इंडस्ट्री से यहाँ आए थी, वहाँ के काम करने के तरीके और यहाँ के काम करने के तरीके में कितना आपको फर्क नजर आया जब आपने ये फिल्म की तब? ये बहुत ही बड़े बजट की फिल्म्स होती है, मुझे लगता है बॉलीवुड वाले जो भी फिल्म्स होती है, और मेरे लिए बहुत शॉक्ड था कि अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी, लाइक मतलब उनके सेट ही बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आई होप कि पंजाबी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे राइज करे एंड उनके भी बजट, इतने बड़े बड़े बजट की फिल्म्स बने। तो यही एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, देखा वाओ अच्छा ऐसे भी होता है, तो ये था। शहनाज बिग बॉस में भी सलमान जी आपसे बहुत स्नेह रखते थे, बहुत आपका ख्याल रखते थे। स्नेह रखते थे स्नेह मतलब एक तरीके से ख्याल रखना, प्यार करना। जब यहाँ पर सेट पर आए तो क्या वही सलमान जी मिले, या फिर यहाँ पर जब वो एक्टिंग कर रहे हैं तब उनका थोड़ा बदल जाता होगा? एक्टिंग करते तो ऑफ कोर्स बंदा कैरेक्टर जो भी मिलता है वैसे ही एक्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ में जो वो बिग बॉस के सेट पे होते हैं, रियलिटी शो में है, वैसे ही है सेम। कुछ मतलब नया देखने को नहीं मिला। यस दे आर ही सेम, वो अच्छी एडवाइस देते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, यही सब। तो आपने खूब हंसाया उनको यहाँ पर भी, सलमान बहुत हंसते थे जब आप आ रही थी? नहीं सर मुझे करेक्ट करते थे, वैसे सच्ची बोलूं सर मुझे करेक्ट करते हैं कि अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है, हंसी मजाक हो गया, अब तुझे आगे आगे लाइफ में सीखना है, और मैं कर रही हूँ, हिंदी सीख रही हूँ, ट्राई करती हूँ मैं हिंदी सीख लूँ जल्दी से। यस समझ गए ना तुम लोग। लेकिन शहनाज इतने सारे एक्टर्स के बीच में एक बेनिफिट आपको ये था कि आपने ऑलरेडी बिग बॉस सलमान के साथ किया था, आपके लिए कितना बेनिफिशियल था बिकॉज एक बॉन्ड आपका ऑलरेडी सलमान के साथ था, तो ये कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? नहीं सर के साथ सबका बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो तो तुमने चलो रियलिटी शो में मेरा देखा हुआ है बॉन्ड, वो कैमरास के आगे है, लेकिन सर का सभी आर्टिस्टों के साथ अलग अलग बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो सब ऑफ कोर्स जानते होगे ना सर सबको, और सर के साथ सारे मस्ती करते, सर सबको अपने मतलब कंफर्ट जोन फील कराते थे, खाना खाते थे एक दूसरे के साथ, हम सेट पे सर बुलाते थे आओ लंच डिनर, हमने इकट्ठे किया है सबने। शहनाज जी डांस नंबर्स की बात की जाए तो मतलब काफी ज्यादा डांस नंबर्स भी हैं इसमें, तो कितनी ज्यादा मुश्किल पैदा हुई आपको डांस करने में? कुछ नहीं, जाते ही सेट पे वहाँ स्टेप बताते थे एंड वो स्टेप हम कैरी कर लेते थे कॉन्सेंट्रेशन। आपको कितनी मदद मिली डांस के लिए? राघव अच्छे डांसर हैं। ही इज अ वेरी गुड डांसर एंड ऑफ कोर्स मदद मिलती है, जब कोई अच्छा डांसर होता है तुम उसके पास ही जाते हो, भाई तू मुझे सिखा, इससे समझ नहीं आ रहा, तो अच्छे डांसर से ही सीखना चाहिए।